कैसे हो आप? और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम अब आज आपको लेके आए हैं माचाड़ी। जी हाँ दोस्तों, और यह राजगढ़ अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और आप देख सकते हैं जिस समय माचाड़ी की स्थापना हुई थी उस समय यहाँ के माचाड़ी अलवर के, आप बोल सकते हैं अलवर के संस्थापक थे राव प्रताप सिंह। आप देख सकते हैं हम ये पानी का कुआं भी बोल सकते हैं और ये मौत का कुआं भी बोल सकते हैं। और सामने से हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं वो माचाड़ी का किला है, वहाँ से सुरंग आ रही है और इस कुएं में जा रही है। और जो कि हम इसको रानी का कुआं भी बोल सकते हैं और इसकी आकृति के अनुसार इसे हम मौत का कुआं भी बोल सकते हैं। दोस्तों अंदर जाके हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, जो कि यह ऊपर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ मेरे दोस्त आए हुए हैं उनके साथ हम अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा खंडर नज़र आ रहा है और ये मेन गेट है और जो कि रानी का कुआं बोल सकते हैं, इसे मौत का भी कुआं बोल सकते हैं। ये आप लाइट देख सकते हैं, ये लाइट जा रही है और लाइट जाने का मकसद है यहाँ पर कुछ आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, कुछ यहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा जो कि शिव जी का मंदिर है अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। अंदर जाके हम आपको बताएंगे, शिव जी के दर्शन कराएंगे। और पहली बार सुनने में आ रहा है कि इस कुएं के अंदर शिव जी का मंदिर बहुत कुछ देखने सुनने और महसूस करने लायक ये जगह हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ से कुछ दो रास्ते हैं जो कि आप इधर से भी नीचे की तरफ जा सकते हैं और इधर से भी आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार। हम इधर से दोबारा हम नीचे की तरफ चलते हैं और ये लाइट लगी हुई है जो ऐसी जगह आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये आप देख सकते हैं और ये आपको कमरे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ मेरे दोस्त आए हुए हैं उनके साथ हम महादेव जी के दर्शन करेंगे और देखते हैं दोस्तों अद्भुत नज़ारा, कितनी खूबसूरत जगह है ये। और पहले की बनावट, करीबन 600-700 साल पहले शिव जी की मूर्ति, जो कि आप देख सकते हैं नंदी के साथ बैठे शिव जी, बहुत ही कुछ आपको महसूस करने लायक जगह है ये। और ये आपको कुछ ब्लैक पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये सलेटी टाइप के पत्थर हैं जो कि इस कुएं को मजबूती प्रदान करते हैं। और आप देख सकते हैं लाइट लगने के कारण यहाँ पर पंखा और बल्ब की भी सुविधा है और ये रोशनदान जो कि प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ आने के कारण लगे हुए हैं। दोस्तों दो दो शिवलिंग हैं आप देख सकते हैं इस रानी के कुएं के अंदर। वही जाओ ज्ञानी। तो चलते हैं दोस्तों हम और भी नीचे की तरफ चलते हैं और कुएं के अंदर शिव जी की मूर्ति, शिव जी की प्रतिमा यह महसूस कराती है कि जब भी रानी यहाँ पर नहाने आती थी तो शिव जी की पूजा अवश्य करती थी। और आप देख सकते हैं ये आपको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं, एक तो ये रहा और ये कुएं का है और एक रास्ता ये रहा। तो चलते हैं हम आपको कौन से रास्ते में लेके चलते हैं, ये तो हमारे साथ आए हुए दोस्त ही बता सकते हैं। चलिए दोस्त हम इस रास्ते से चलते हैं और ये कुएं के अंदर जाने वाला रास्ता है, लेकिन हम आपको चारों तरफ दिखाएंगे। और ये छोटे छोटे कक्ष आपको नज़र आ रहे हैं, ये टोटल 12 हैं और ये इस कुएं की खूबसूरती को दर्शाते हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं कुएं के अंदर उस समय किस प्रकार से ये बनाया गया होगा, पहले खुदाई करके या कुछ पिलर खड़े करके, अपन दोस्तों महसूस ही कर सकते हैं। चलिए नीचे अंदर चल के हम आपको और बताते हैं। तो दोस्तों ऐसी जगह बहुत खतरनाक होती है और आप देख सकते हैं आश्चर्य की बात तो ये है कि कुएं के अंदर भगवान शिव की पूजा करीबन 700-800 साल पहले से हो रही है। और आप देख सकते हैं हम आपको अब ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर का नज़ारा है और अब इस कुएं के अंदर एक गुफा है जो कि माचाड़ी किले से उस गुफा का कनेक्ट है। तो हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं और वो गुफा ये है, बंद कर रखिए।
ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं, बंद कर दिए, ये बंद हो चुकी है। ये गुफा का गेट है जो कि अभी बंद किया गया है। यहाँ के लोगों से अभी जानकारी मिली है, पर यहाँ से ये नज़ारा आप देख सकते हैं, ये है रानी का कुआं, इसे हम मौत का कुआं भी बोल सकते हैं। ये नज़ारा है दोस्तों, कबूतरों की आवाज़ आप देख सकते हैं। थंडर होने की कगार पे है, उसका मेन कारण है भारतीय पुरातत्व या यहाँ के प्रशासनों की वजह से ऐसी जगह बहुत खंडर होती जा रही है। इस समय विधायक कोटे से यहाँ पर कुछ इमारतें मजबूत की जाएगी टूट फूट देख देख के लिए, और चारों तरफ यहाँ पे बाउंड्री की जाएगी उसके लिए, और भी यहाँ पे अच्छी सुविधाएं हो सकती है। कैसी लगी हमारी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और ये हमारे दोस्त हैं, इनकी वजह से ही हम आप ये रानी का कुआं देख पाए। थैंक यू।